दरवाजा पहले मैं ईजल के रूम का कर देता हूँ बंद और फिर इसको लेकर चलता हूँ। दरवाजा खोलो जल्दी। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू व्लॉग में भाई वेलकम करता है एक और नए और खुशगवार दिन के साथ। ओ भाई लेना भाई गन्ने की ना, अभी तक 10 दफा सेंचुरी कर दी है। अभी चेक कर लेता हूँ कि टूटा शूटा तो नहीं है किसी जगह से। नहीं बच्चा, छत तो हो गई है। टूटेगा भी क्यों, क्योंकि जब अपनी चीजों की हिफाजत करने वाली अल्लाह की दात मौजूद है तो फिर जितना मर्जी मोबाइल गिर जाए टूटने वाला नहीं है इंशाअल्लाह। ऑपरेट हो गया, अब तो सही नजर आता है इसको। हेलो ठीक हो? अच्छा जी, फोन पर बात करके आता हूँ मैं। ओ बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, आप सीढ़ियों में क्या कर रहे हो? इसका दिल करता है कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती जाऊँ। और ये क्या सीन है, ये डेकोर शोर का सामान अभी तक उतरवाया क्यों नहीं है? उतरवा दो यार, बस कर दो अब। जब ये गुब्बारे बेचारे खुद ही मुरझा कर फटना शुरू कर देंगे तब उतरवाओगी कवर? ऐसे फुस हो जाएंगे ना। हाँ ये चेक करो ना, फुस होते जा रहे। ये भी फुस हो गया बेचारा। नहीं ना अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा नहीं लग रहा, उतरवा दो। मुझे अच्छा लग रहा है। ईजल को अभी तक उसके रूम में लेकर गई हो? ना। नहीं चलो फिर इसको लेकर चलते हैं और इसका रिएक्शन भी चेक करते हैं। ठीक है ईजल, चले आपके रूम में। इससे इसका मुराद है कि हाँ ठीक है चलो। दरवाजा पहले मैं ईजल के रूम का कर देता हूँ बंद और फिर इसको लेकर चलता हूँ। दरवाजा खोलो जल्दी। अच्छा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी जल्दी से आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीढ़ियाँ यहाँ पे मिल गई है इसको, सीढ़ियाँ मिल गई है। इधर कैसा लगा रूम? ओए देख रही है इर्द गिर्द। ये भाई ये तो बड़ी हैवी चीज बना दी है मेरे अम्मा अब्बा ने मिलकर। कैसा लगा रूम? वो मोटा इतना ड्रेस पहना हुआ, उससे चढ़ा नहीं जा रहा। बिजा बिजा चलो चढ़ो 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 ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ो। चलो इधर आओ, ये देखो इसके ऊपर बैठ। ये चलो चलो चल मेरे घोड़े, चिक 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 चिक। इन लाइट्स को तो ऑन करो। कर दो ईजल। ओए अच्छा है ना, शुक्र है इसका। आज की सन में ये रूम पूरा हो गया, ये मेरे इंग्लैंड जाने से पहले की बातें। सही बात है, साल तो हो गया बंदे मनाते। इसको ऊपर लेकर जाऊं? हां ये मुझे दे। आ जाओ इधर आओ। अब्बा का रह गया था इसके। And this light is not bad. ईजल को जी फाइनली इसका रूम पसंद आ गया है बहुत ज्यादा। अब ये अपने रूम से ही नहीं निकला करेगी, पहले ये सीढ़ियों से या फिर गैराज में जाने से या फिर वॉशरूम के अंदर घुसने से या फिर किचन के अंदर घुसने से बाहर नहीं आती थी, अब अपने रूम में ही घुसा करेगी। अब देखो ना, हर चीज मिल गई। हाँ गाड़ी मिल गई है, हॉर्स मिल गया है, छोटी वाली गाड़ी, टेडी बियर्स, हर चीज इसके रूम में अवेलेबल। अच्छा मैं कह रहा था कि हम लोग ना इसके रूम में ना आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ और प्लेइंग एक्टिविटीज ऐड करेंगे, मतलब कि और ज्यादा जिससे बच्चा एंगेज होता हो। बिकॉज ये ना इन वाली एक्टिविटीज से मुझे लगता है कि ये 5-6 महीनों में अक थक भी सकती है। रूम बहुत बड़ा है ना उसका। हाँ तो और एक्टिविटीज ऐड कर देंगे तो रूम बहुत बड़ा है ना, रूम इतना तो है तुम्हारी वो। अच्छा मैं समझा, कह रहा रूम बहुत बड़ा है ना, आ जाएंगे। असल में मेरी बेइज्जती कर रहा है कि रूम छोटा है। बच्चे स्लाइड से स्विंग से कभी भी नहीं अकते, स्विंग लगा देंगे एक छोटी वाली बस, दैट्स इट।
क्योंकि अभी अभी देखो उसने वो तोड़ दिया शीशा उसका। चलो चेक करो जी। आते ही जी इनॉग्रेशन हो गई है, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। चलो छोड़ दो। छोटा बच्चा समझते हम तो ना ततराना रे चिक चिक जम जम ये चिक चिक जम जम। इस वाले सॉन्ग पर ना बड़ा नी करती है। चलो चलो बाहर चलो बाहर चलो चलो। वो देखो वो देखो, वो देखो। उसका बाहर जाने को दिल ही नहीं है, उसका दिल है कि मैं अंदर ही रहूं। अंदर जाना। हां चलो ले जाओ ले जाओ यार, तुम्हारा हाथ भी खींच रही है। अंदर ही जाना नहीं अब बाहर जाना। अब बाहर ही जाना क्योंकि अब मूड स्विंग हो गया उसका। अब आप बाहर आ गए। हां मैं बाहर आया हूं ना इसलिए मेरे साथ चिपक रही है। दादा चाचू आपको बुला रही है इधर। हम लोग इधर इधर के साथ खेलने में बिजी हैं। चलो आओ निकलते हैं टाइमली बिकॉज राशन बैग्स उठाने हैं आज। कल राशन बैग्स को ऑर्डर दिया था, आज वो रेडी हो चुके होंगे, फिर उसके बाद उनको बांटना शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि बांटते बांटते भी हमें शाम हो जाएगी, इसलिए जितना जल्द से जल्द घर से निकले उतना ही बेहतर होगा। इन गुब्बारों के ऊपर छलांग लगाओ। नहीं क्यों लग जाओगे? नहीं लग जाऊंगा मतलब लग जाएगी, मुझे लग जाएगी। मैं कल उठा दूंगी इसके बारे में। 3, 2, 1 एंड वाव। तुम्हें पता है ना वो डर जाती है, पकड़ो उसे। डरना नहीं पकड़ो उसे। राशन बैग्स के लिए खैर जो होना था अब तो हो गया जी। घर से निकली है, निकलते ही जी गाड़ी का हल्का फुल्का सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के नतीजे में अपनी गाड़ी का बम्पर टूट गया। शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिए, बम्पर ही हल्का फुल्का सा टूटा है। मे बी बम्पर अब रिपेयरिंग से ठीक हो जाए या फिर चेंज करवाना पड़े, अब अल्लाह ही बेहतर जानता है। जब भी मैकेनिक के पास जाएंगे तब पता चलेगा। अब तो जिस नए काम के लिए पहले जा रहे हैं उस काम को पूरा करते हैं। वैसे हमें चाहिए था कि काम शुरू करने से पहले भी सदका देकर निकलते, लेकिन चलो कोई नहीं, या किस्मत या नसीब। एक्सीडेंट भी ऐसे हुआ है कि आगे 3-4 गाड़ियों की ब्रेक लगी है, फिर हमारे से बिल्कुल आगे वाली जो गाड़ी थी उसने भी हैवी किस्म की ब्रेक लगाई, हमने भी हैवी किस्म की ब्रेक लगाई, लेकिन हमारी ब्रेक लगते लगाते ही आगे वाली गाड़ी के साथ ठुक गई। आगे वाली गाड़ी की तो बचत होगी लेकिन अपना बम्पर टूट गया। राशन वगैरह पिक भी कर लिया हम लोगों ने किराना स्टोर से, और उसके अलावा ये सारा राशन अपनी गाड़ी के डिक्की में बहुत मुश्किलों से लोड भी कर लिया है। और इस राशन बैग में है घी, चावल, दालें और चाय की पत्ती, उसके अलावा चीनी, एक दो और इसी तरह की चीजें हैं, और साथ में हैं ये आटे के थैले। आटे के थैले दरअसल मेरी गाड़ी में पूरे नहीं आ सकते थे, इसलिए मैंने आटों की थैलियों के लिए अलग से ये रिक्शा हायर कर लिया है, जो कि मेरे साथ साथ घूमता जाएगा और हम लोग साथ साथ इस राशन को बांटते जाएंगे। सबसे पहले जी हम लोगों ने राशन बैग अपने कुछ रिश्तेदारों को दिए हैं, बिकॉज सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का होता है। मतलब जब भी आप कुछ इमदाद करने लगे, डोनेशन करने लगे, तो अपने इर्द गिर्द पहले देखें, बाद में बाहर निकले। तो हम लोगों ने अपने रिश्तेदारों तक पहले बैग्स पहुंचाए हैं, उसके बाद निकल आए हैं बाहर। अब बाहर बैग्स पहुँचाने शुरू करेंगे हकदारों तक। और इस हल्की फुल्की सी भूख का इलाज करेंगे हम लोग सिट्टा खा कर। ठंडा गर्म नहीं है, बर्फ। सादिक भाई आप भी खाए ना, कोई मसला नहीं बॉस जी, टेंशन नहीं लेनी। गाड़ी जो अपनी ठुकनी थी वो ठुक गई है, गाड़ी के ही गमले बेचारे को भाई। मैंने क्या, कोई मसला नहीं यार, ये शायद हादसा हमारे नसीब में था। जो नसीब में हो वो मिलकर ही रहती है आपको। सिट्टा खा, सिट्टा लाओ, सिट्टा दो सादिक भाई, आधा आधा दो ना सादिक भाई, सिट्टा भी बड़ा महंगा, आधा दे दो ना। मिल गया मिल गया, चलो बस ठीक है। सिट्टा ना नरम है, आया जा रहा है मेरे दांतों से भी बाहर आसानी है। ठंडा है तो ठंडा, लेकिन नरम है। मैं ये दुआ कर रहा था बस नरम हो। हेलो जी चाचा जी,
ये ले उस्ताद जी। तकरीबन आधा अपना राशन बांटा गया, आधा राशन बाकी रह गया, अब इसको भी बांट देंगे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी। हेलो उस्ताद जी, ये जी हम लोगों ने बैग दे दिया है अपनी स्ट्रीट के गार्ड चाचू को, उसके बाद हमारे पास बचे हैं टोटल 5 बैग्स। इन 5 बैग्स में से एक हमारे जो रिक्शा के ड्राइवर हैं उनको देना है, दूसरा सादिक भाई को देना है और पीछे बच जाएंगे 3 बैग्स का, और इंतजाम किसी जगह करते हैं। मैं 2-3 लोगों को जानती हूँ जो जरूरतमंद है तो उनको देना है 2 बैग। उनको तो फिर पूरे हो गए हैं अपने, ठीक है ना। चलो फिर निकलते हैं जी, बैग जितने भी हम लोगों ने बांटने थे बांट दिए, अब बस अपन लोग हो चुके हैं फ्री। और वंस अगेन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये किसी किस्म का कोई दिखावा नहीं है। मैंने कल वाले व्लॉग में भी अपने बात की कि भाई हमें लोग फॉलो कर रहे होते हैं, जो एक्टिविटी हम लोग करते हैं उस चीज़ को हमारे चाहने वाले सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स पसंद करने वाले फॉलो करते हैं। तो अब जब नेकी का काम कर रहे हैं तो इसको क्यों ना दिखाऊं, बिकॉज ये वाला नेकी का काम मैं खुद एक वीडियो देखने के बाद कर रहा हूं। जब भी मैंने वीडियो देखी तभी मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं हर महीने इस तरह से कोई एक्टिविटी किया करूं और अपने कुछ पैसे डोनेशन के निकाला करूं। बल्कि मेरे अकेले के इसमें पैसे नहीं है, इसमें कमल के भी पैसे हैं थोड़े, उसके बाद हमजा ने भी पैसे डाले, मतलब हम सब लोगों ने मिलजुल कर पैसे डाले। पैसे डालने के बाद तकरीबन कोई 50 बैग्स बनाए, उन 50 बैग्स में 15-15 दिन का एक एक फैमिली के लिए राशन पैक करवाया। और अब हमें इतनी जरूर उम्मीद है कि ये 50 बैग 50 फैमिलीज को 15 दिन तक खाना शाना खिलाने में जरूर कारामद रहेगी। ये लो जी रिक्शा वाले चाचू, ये आपका बैग और अपने लिए एक वो तोड़ा भी आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तू कहाँ फेरे टोरे पर निकला है? घर वापस आए हैं और कुकू पता नहीं गली में कहाँ छलांगे लगाता फिर रहा है। चल अंदर, अरे अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल, मस्ती है ना कर, चल अंदर, चल चल शाबाश, बाल नहीं अब इसके कटवा रहा, चल अंदर, चल 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 चल, गुड बॉय। दरवाजा अब कर देते हैं। आते ही जी घर में बन चुकी है गर्मा गर्म फ्राइज हमारे लिए। अब थोड़ी ठीक हो गई। फ्राइज मैंने आज तक कहीं खाई नहीं। मैंने भी। आपने फ्राइज बड़ी हैवी किस्म की बनाई है आज हमारे लिए। चस करा देती है आपकी ने। सोचा था कि फ्री श्री होकर जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए, लेकिन यहाँ आया हूँ तो भाई धुंध ने ऐसा कमाल कर दिया है 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही कि एक बॉल भी सही से नजर नहीं आ पा रही। अभी बस मैं अंपायर खड़ा हूँ अपनी टीम की तरफ से और वेट करूंगा अपनी बारी का। अगर तो बॉल नजर आ गई तो खेलूंगा, अगर नहीं नजर आई तो फिर सुकून थे ना मैंने भाई यहाँ पर बैट और बॉल और अपने खिलाड़ियों को छोड़ कर ना निकल जाना है घर वापस, क्योंकि ठंड भी काफी होती जा रही है। एक तो धुंध ने तंग कर दिया और दूसरा भाई मैंने क्रिकेट की तौहीन की है कि जो मैंने कपड़े पहने हुए थे ना वही पहनकर क्रिकेट खेलने के लिए आ चुका हूँ, सलवार कमीज और ऊपर लॉन्ग कोट। अब तो बिल्कुल ही खेलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि एक तो धुंध नहीं खेलने दे रही और दूसरा अपन की सलवार कमीज और ये लॉन्ग कोट नहीं खेलने देगा। चौधरी बाली अभी गुजरात से लाहौर तशरीफ लाया और आज बड़ा ही अजीबोगरीब सीन हुआ है। जब मैं क्रिकेट खेलने गया हुआ था तब हैवी किस्म की धुंध पड़ रही थी भाई और अब एकदम से धुंध गायब हो गई है। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा अभी तक अपनी जिंदगी में कि रात को धुंध पड़नी शुरू हो और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद धुंध का कोई नामो निशान ही ना हो। यार मुझे ही हो गया यार आज तो, अखीर किस्म का है अल्लाह तेरी कुदरत। सर जी ले जाएंगे अपने बैग शैग अंदर के, भाई आपका हेल्प करके ले जाए। आ जाओ जी। तुझे 70-80 दफा खाया है कि रात के टाइम बाहर नहीं आया कर, लेकिन तुझे कोई असर नहीं है किसी बड़े की बात का। चल 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 चल, ये बैग से डरता हुआ अभी अंदर जा रहा है। चल 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 अंदर अंदर। ये लो जी ब्राट साहब आपका बैग मैंने यहाँ पर रख दिया। मेरे ख्याल से अब आपको अपने भाई को भी आज के व्लॉग से दे देनी चाहिए इजाजत। कल मिलेंगे अब एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल आइकन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल माय लेसंस पारेसे साबर क्वांडो वोल्वेर अ मी ऑफ ऑल माय ब्लेसिंग्स।